हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपी। बच्चों, आज की इस क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 7। क्लास को पूरा एंड तक देखना, ठीक है? क्लास 10th आपका चल रहा है एनसीईआरटी, तो सभी बच्चे एक बुक लिए हो। हाँ, शुरू करा जाए। क्वेश्चन ऊपर देखिए, दिख रहा है आपको क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है बच्चों कि आकृति 6.38 में, आकृति 6.38 का मतलब इस चित्र में जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, कह रहा है कि डी ए बी सी के शीर्ष लंब, डी ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि आकृति में, इस आकृति में मतलब इस फिगर में, डी ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी, यानी ये दोनों रेखा, मतलब ये रेखा, ये दोनों बिंदु हैं ए और डी, ठीक है? ये रेखा सीधा सीधा है ए डी और ई, ई कौन सी है? ये डी ई, ये सीधा, ये दोनों क्या कर रही भैया? बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित कर रही, मतलब इन्हें इंटरसेक्ट कर रही ना, इंटरसेक्ट कर रही, क्या कर रही अभी से बता में जानो, प्रतिच्छेद कर रही, ठीक है? तो कह रहा दर्शाइए, मतलब सिद्ध कीजिए कि पहला त्रिभुज एईपी, एईपी मतलब ये इतनी जो त्रिभुज है, फिर से देखो एईपी और सीपी, सीईपी ये दोनों समरूप हैं, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है? सिमिलर है, ये प्रूव करना है ना? कितना आसान, चलो लिखो। शीर्ष लंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पर आप लिखिए हल, फटाफट सभी बच्चे लिखो भाई, आगे लिखिए। क्या लिख लिए आप लोग? जल्दी से फटाफट लिख लो भाई, टाइम ना लगाओ। शीर्ष लंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसमें पहला, इसमें चूंकि चार बातें सिद्ध करनी है, उनमें पहला मैं लिखता हूँ, ठीक है? त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी, ध्यान से देखना, ए ई पी और दूसरा ट्राइंगल सी ने, देखो, और त्रिभुज डी पी में, ये डी है, डी फॉर डॉग, याद रखना, ठीक है? डी पी में इसमें क्या है बेटा, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ए ई पी जो है, यानी जो कोण ई है, ये कोण ध्यान से देखो, देख रहे हो ना, ए ई पी बराबर पी डी सी, बराबर एंगल पी डी सी। ये क्यों बराबर है? क्योंकि प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक क्या है? 90 है। अभी बताता हूँ, देखो इसमें ये एंगल क्या है? 90 है ना, ए ई पी में ध्यान दो, ए पी ये 90 है ना, और पी डी सी, पी डी सी इसमें देखो तो आपका ये एंगल डी वाला भी क्या है? 90 है। 90 क्यों है? क्योंकि ये सीधा सीधा इस पर प्रतिच्छेद कर रही जा करके, तो ये D क्या है? ये भी 90 बन, ये दोनों क्या बराबर है? क्योंकि दोनों क्या है? 90 है, इसलिए क्या बराबर है? आगे देखो, लिखिए नीचे, लिखिए एंगल ए पी ई, ध्यान देना, अब इस एंगल P पे जाएंगे, ठीक है? किस में, कौन से त्रिभुज में? ध्यान देना, ए ई पी वाले में, देखो ऐसे ए पी ई बराबर सी पी पी बराबर एंगल सी, ये क्यों बराबर है भैया? ये बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख क्या है? शीर्षाभिमुख, नहीं समझ में आएगा तो बताना, शीर्षाभिमुख मतलब जान रहे हो भाई? सीधी सी बात है, पी और पी दोनों में आ रहा है ना, यानी इसमें और इसमें अगर आप ध्यान से दो, ये देखो तो ये एंगल इस वाले में और दूसरे वाले में ये वाला, प्रकार से आपको क्या लग रहा है? अपोजिट एंगल लग रहा है, कुछ तो लग रहा है, बताओ क्या है? शीर्षाभिमुख हिंदी में, ये दोनों क्या बराबर है? अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए तो आप लिख सकते हो कोण कोण समरूपता, कि अब अरे मैं जगह नहीं तो मैं आगे लिखूंगा, देखिए इसलिए, इसलिए त्रिभुज ए ई पी कौन सा था भाई? दो यही तो था, ए ई पी समरूप है सी डी के,
चिन्ह बना दो, सी डी, ये पहला हो गया, क्लियर। ये पहला हो गया जो इसमें चार सिद्ध करना था, पहला पार्ट हो गया। इतना लिखिए, जल्दी नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इतना करना है फिर इसको लिखना है। बहुत से ध्यान से देखोगे भाई तभी समझ में आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड देखो स्क्रीन पे, चलिए ध्यान दीजिए आगे, बहुत ध्यान से देखना भाई क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी डी, ए बी, फिर से देखना ए डी इसमें, और दूसरा सी बी, यही क्वेश्चन दोनों, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने को कह रहा है। अगर आप स्क्रीन पे देखो तो सेकंड पार्ट में इन्हीं दोनों को क्या करना है, सिमिलर हमें प्रूव करना है। कौन कौन सा, ए बी डी और सी डी और ई। तो एक तो ये त्रिभुज सीधा सीधा बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो बेटा इसमें हम लिख सकता हूँ एंगल ई इक्वल एंगल डी, ये दोनों बराबर है। कौन कौन सा, ये एंगल, ध्यान देना, अगर हम इसमें लेंगे ये एंगल डी और इसमें अगर लेंगे तो एंगल ई, ये दोनों क्या 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी क्या है 90 डिग्री का है, दोनों क्या बराबर हैं। आप लिख लो प्रत्येक 90 अंश क्या है, प्रत्येक 90 का है, ये क्या है बराबर है। आगे लिखो एंगल बी, एंगल बी, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि कॉमन है, इसी में लिखेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब होता कॉमन। ये एंगल बी दोनों में कॉमन है, एक बार फिर से अगर आप दिमाग लगाइए, देखिए ए बी डी, यानी जब हम ये एंगल ले रहे हैं पूरा पूरा जहां मैं हाथ रख रहा हूं, या फिर मैं ये लेता हूं सी बी ई, तो इसमें दोनों में सब में बी का यूज हो रहा है, मतलब ये कोण दोनों में है यानी कि कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए, इसलिए क्या लिखोगे भाई, त्रिभुज ए बी डी सिमिलर है किसके, त्रिभुज सी बी ई, कोण कोण समरूपता लिख लीजिए, कोण कोण समरूपता। अगर आपने समरूपता का बेसिक नहीं पढ़ा भैया तो आपको समझ में नहीं आएगा बाबू, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, नोट करिए। मैं सामने से पूरी तरह से हटाऊं, आपको स्क्रीन दिख रही, बहुत जल्दी करिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका थर्ड पार्ट हो गया। आगे बढ़े, अपने सर दिख रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन पे नजर गड़ाइए, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए बेटा। कह रहा है कि त्रिभुज ए ई पी, ए ई मतलब ए और पी ये बीच में, और दूसरा त्रिभुज ध्यान से देखना ए डी बी, ए डी बी, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो ए ई पी, और एक बार आपको देखना है ए डी और बी, यानी ये त्रिभुज एक बार देखना, एक बार ये देखना, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो बच्चा हम यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ई इक्वल एंगल डी, यानी जो कोण ई है वो कोण डी के बराबर है। अभी हमने जब इसका पिछला पार्ट किया था उसमें भी आपने यही चीज लिखा था, क्योंकि वो था तो हर बार लिखा जाएगा बराबर, इसलिए है क्योंकि प्रत्येक 90 का है, एवरी एंगल क्या है राइट एंगल। इसमें इतना ही नहीं, एंगल ए के बराबर है, क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। बहुत आसान प्रश्न है, कॉमन है जिसे बोलते हैं, आप हिंदी में लिख लो उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन, ठीक है। उभयनिष्ठ के आधा ऐसे, ओके हो गया। तो भैया जब ये दो चीज हो गया तो आप लिख सकते हो गया आपका जो भी करना था, आप नीचे लिख लो, इसलिए ये क्या है एंगल ए ई सिमिलर का आप चिन्ह बना दो भैया, ए डी बी, ये क्या हो गया प्रूव हो गया, यही करना था। यहां पर लिख दीजिए कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, यह आपका तीसरा पार्ट हो गया। इसमें सिर्फ एक पार्ट और बचा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी करिए।
लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट, बहुत जल्दी करिए, डन। वीडियो रोक करके लिखा करिए, मैं सामने से हटता हूँ फटाफट, रहता नहीं हूँ कभी वीडियो। इसको भी देख लीजिए, इसमें भी वही सब है जो अभी आपने तीन पार्ट में किया, उसी का सब कुछ इसमें भी करना है, ठीक है। देखिए इसमें भी एंगल ई जो है वो एंगल डी के बराबर है, इसलिए क्योंकि प्रत्येक 90 का है, प्रत्येक क्या है 90 है। भैया देख लो एक बार, पी डी सी, पी डी और सी, यानी ये जो छोटका एंगल बन रहा है खोपड़ी पे, इसमें पी डी सी और एक है बी ई सी, बी और सी, इस पूरे वाले कोण में और इस छोटके वाले कोण में, बेटा अगर आप एक चीज ध्यान दो तो एंगल ई जो है और एंगल डी दोनों पड़ रहा है, दोनों पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, पहले मुझे ये बताओ, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? नहीं, दोनों पड़ रहा है। छोटे वाले अगर आप कोण में देख रहे हो ध्यान से, ऊपर साइड में इसमें देखो डी आ रहा है, और अगर ये आप जहां मैं हाथ रख रहा हूँ देख रहे हो, इधर से नहीं दिख रहा होगा, अगर ऐसे देख रहे हो जहां मेरा हाथ है, क्या है एंगल ई आ रहा है, दोनों क्या 90। एंगल सी की अगर बात करें तो दोनों में आ रहा है, कॉमन है, एंगल सी इक्वल एंगल सी। देखिए उभयनिष्ठ क्या है, ये उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है। आप नीचे लिख लीजिए, अगर दो कंडीशन मिल गई हमें तो इसलिए एंगल पी डी सी ये सिमिलर है, ऐसे बना लीजिए एंगल बी ई सी के, किसके बी ई सी, यहाँ पर लिख लो कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका एंड हो गया बच्चों। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई आपके मन में आशंका है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसे आपको बताएंगे, ठीक है। नीचे कमेंट जरूर करिए, मिलते हैं फिर एक नई क्लास में एक नए जोश जुनून के साथ। क्लास को लाइक करना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। क्वेश्चन पूरा दिख रहा है स्क्रीन पर, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन छाप के नहीं खड़ा होता हूँ, ठीक है बच्चों। तो क्लास को शेयर करना बाबू, थैंक यू।